क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी ने हाल ही में क्रिकेट रूल्स में कुछ बदलाव किए थे। 28 सितंबर से लागू हुए इन बदलावों का असर अब क्रिकेट के मैदान पर भी दिखने लगा है। इसका सबसे पहला शिकार एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बना है, जिसने वहां डोमेस्टिक मैच के दौरान फेक फील्डिंग करते हुए बैट्समैन को डराने की कोशिश की, जिसके बाद उस टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी गई। ये इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहे जनरल टी1 अड्डे कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान क्वींसलैंड बुल्स और CA-XI की टीम के बीच खेले गए मैच में दिखा। इस मैच में क्वींसलैंड बुल्स की टीम के फील्डर मारनस लेब्यूशेन को नए नियमों के तहत गलत आचरण करने का दोषी पाया गया। मैच के दौरान CA-XI टीम के बैट्समैन परम उपल ने मिड ऑफ की ओर एक शॉट खेला, जहां करीब ही मारनस फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने डाइव लगाकर बॉल को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके पास से निकल गई।